कृष्णा। तो हम लोग अब महाभारत के ऊपर चर्चा करेंगे, उससे पहले हम लोग एक वैष्णव भजन गाएंगे। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। तो आप लोग अब हमारे साथ दोहराइएगा, बहुत ही सुंदर भजन है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग देनु चरायो, लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग देनु चरायो, ऐसे लीला दाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे लीला दाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ध्रुप सुता की लाज बचायो, गज से ग्रह को फंद छुड़ायो, ध्रुप सुता की लाज बचायो, गज से ग्रह को फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसे दीनानाथ को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे दीनानाथ को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को
मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरि वरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरि वरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन।
रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय जय प्रभुपा जय प्रभुपा प्रभुपा जय प्रभुपा जय श्रील प्रभुपा जय प्रभुपा जय प्रभुपा प्रभुपा जय प्रभुपा जय श्रील प्रभुपा जय जय प्रभुपा 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 जय जय प्रभुपा हितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हितय गौर हरि बोल हरे कृष्ण अब हम लोग स्टैंडर्ड प्रेयर करेंगे महाभारत स्टार्ट करने से पहले हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे गुरु वैष्णवों से प्रार्थना करेंगे तो आप सब लोग मेरे साथ दोहराइएगा तो हम लोग शुरू करते हैं ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् नमः विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें आप सब लोगों के बीच कुछ भगवान कृष्ण कन्हैया के बारे में कुछ कहने का मौका मिला है। तो
ये बहुत ही सुंदर महाभारत की जो रचना है बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर। ये व्यासदेव ने जब वो अपनी परिपक्व अवस्था में थे, अपनी भक्ति की परिपक्व अवस्था में, तब उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। बहुत ही माधुर्य ग्रंथ है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, इसमें बहुत बहुत सारी शिक्षाप्रद घटनाएं हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि कैसे हम लोग इस भौतिक दुनिया में रहते हुए कैसे हम लोग भक्ति को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली कैसे हम लोग इस दुनिया में भगवान कृष्ण कन्हैया को याद करते हुए हम उनकी भक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये महाभारत को स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रेयर करेंगे। ये प्रेयर है व्यासदेव जी के द्वारा रचना किया हुआ, तो आप सब लोग मेरे साथ दोहराइएगा। नारायणं नमस्कृत्यम्, नारायणं नमस्कृत्यम्, नरं चैव नरोत्तमम्, नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासम्, देवीं सरस्वतीं व्यासम्, ततो जय मुदीरयेत्। तो महाभारत को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम नारायण के चरणों में, जो कि स्वयं कृष्ण हैं, तो भगवान कृष्ण के चरणों में हम अपना प्रणाम को अर्पित करते हैं। फिर हम लोग नर नारायण ऋषि उनके चरणों में अपना प्रणाम को अर्पित करते हैं। फिर व्यासदेव जी के चरणों में हम अपने प्रणाम को अर्पित करते हैं, जिन्होंने इतना कष्ट उठा करके इस महाभारत की संरचना की। और अंत में माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, जिनकी कृपा से हमें महाभारत समझ में आएगा। तो ये महाभारत बहुत विस्तृत ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ के बारे में चर्चा करने से पहले हम बताएंगे, ये भागवतम से पहले लिखा गया था। एक्चुअली भागवतम जो है वो पोस्ट, अगर उसको पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, तो महाभारत ग्रेजुएट स्टडी है, मीन्स श्रीमद् भागवतम से एक स्टेप पहले। तो महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं, मीन्स 18 भाग हैं। तो सबसे बड़ा भाग उसमें भीष्म पर्व है, जिसमें भीष्म देव का उपदेश आता है, और जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। तो ये जो है महाभारत का एसेंस है, भगवद गीता। इसमें भगवान कन्हैया ने अर्जुन को पूरे 700 श्लोक बोले थे, जिसको सुनकर के अर्जुन जो था युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। तो ये महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण भाग है भीष्म पर्व। तो अब इससे स्टार्ट करते हैं। व्यास देव की चिंता हुई कि अरे ये महाभारत को कैसे लिखा जाए। तो उन्होंने अपने मन में महाभारत की रचना ऑलरेडी कर दिया था, पूरे 100,000 श्लोक उन्होंने अपने मन में लिख दिया था। लेकिन उनकी चिंता थी कि अरे 100,000 श्लोक को रचना कैसे किया जाए, क्योंकि 100,000 श्लोक है तो उसको रचने में तो बहुत समय लगेगा। जैसे आपको पता होगा कि रामायण में कितने सारे श्लोक हैं, वाल्मीकि जी के रामायण में 24,000 श्लोक हैं, और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में कितने श्लोक हैं, उसमें 10,000 श्लोक हैं। स्कंद पुराण में कितने श्लोक हैं, स्कंद पुराण में 80,000 श्लोक हैं। लेकिन ये महाभारत सबसे बड़ा है, इसमें 100,000 श्लोक हैं। तो व्यासदेव जी की चिंता जो थी स्वाभाविक थी, अरे भाई ये श्लोक कैसे लिखा जाएगा। तो बहुत चिंतित थे, तभी वो चिंता में मग्न थे, तभी वो वहाँ पे ब्रह्मा जी अचानक से प्रकट हुए। देखिए कि अरे व्यासदेव जी इतने चिंतित हैं तो सामने प्रकट हो गए, उनकी मन की बात को समझ गए थे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया, अरे व्यासदेव जी आप महाभारत लिखने के लिए इतना चिंतित क्यों हैं। तो व्यासदेव जी बोले कैसे लिखें, 100,000 श्लोक है। तो ब्रह्मा जी ने बोला अरे ये हमारा जो गणेश है ना, अरे वो वही शंकर जी के लड़का, अरे वही पार्वती जी के लड़का,
वही जिसने ना पूरा दुनिया, जिसने कार्तिक को भी हरा दिया परिक्रमा करने में, पूरा संसार का परिक्रमा करने में। अरे सबसे बुद्धिमान बालक है, अरे उसको बुला लीजिए, अरे वही लिखेगा। तो व्यास वर्मा जी की बात सुनकर व्यासदेव जी बहुत खुश हुए, उनको लगा कि हाँ भाई अब रचना हो सकता है गणेश जी के द्वारा, तो बहुत खुश हुए। तो फिर वर्मा जी ये बोल करके वहाँ से अब प्रकट हो गए। तो फिर व्यासदेव जी ने गणेश जी का आह्वान किया, गणेश जी आइए कृपया प्रकट होइए और महाभारत को लिखिए। तो गणेश जी का जब उन्होंने आह्वान किया, प्रेयर किया, प्रार्थना किया, तो गणेश जी प्रकट हो गए। तब प्रकट हो गए तो व्यासदेव जी ने बोला कैसी सी बात है, महाभारत लिखना है। तो गणेश जी बोले देखिए व्यासदेव जी, मैं महाभारत को लिखूंगा लेकिन एक कंडीशन है। तो बोले क्या कंडीशन है भाई? बोले एक कंडीशन ये है कि आप जब तक बोलते रहेंगे तब तक मैं लिखते रहूंगा, जैसे ही आप बोलना बंद किए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो व्यासदेव जी बोले अरे ठीक है, मैं तुम्हारे कंडीशन पे राजी होता हूँ, लेकिन मेरा भी एक कंडीशन है। तो गणेश जी बोलते हैं क्या? बोलते हैं मेरा कंडीशन ये है कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा गणेश जी आपको उसको समझना पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा, समझ के फिर आपको लिखना पड़ेगा, बिना समझे आप नहीं लिख सकते हैं। तब गणेश जी राजी हो गए। तब अभी कभी व्यासदेव जी को जब कुछ सोचना होता था तो कोई डिफिकल्ट श्लोक बोल देते थे, तो गणेश जी उसको समझते रहते थे और व्यासदेव जी आगे का श्लोक सोच करके फिर जो है उसको बोलते रहते थे। तो ये फर्स्ट टाइम महाभारत जो है ये कब बोला गया? ये फर्स्ट टाइम जो महाभारत है ये महाराज जन्मेजय जो परीक्षित महाराज के पुत्र हैं, वो जब सांप का यज्ञ कर रहे थे तो उस यज्ञ में बोला गया। तो भाई ये सांप यज्ञ क्या है? तो जब महाराज जन्मेजय के पिता महाराज परीक्षित को जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुना रहे थे, तो 7 दिन बीतने के बाद आप लोगों को पता ही होगा कि एक तक्षक नाम का सांप आकर के महाराज परीक्षित को जला करके भस्म कर दिया। तो महाराज परीक्षित को तो सांप ने भस्म नहीं किया, वो तो ऑलरेडी भगवान में मग्न हो गए थे, तो सांप तो उनको बस एक नाम मात्र का बस आया था बस जलाने के लिए, ऑलरेडी वो भगवान के धाम जा चुके थे। लेकिन महाराज के जो परीक्षित के पुत्र थे उनको बहुत खराब लगा कि भाई ये सांप जो है ये मेरे पिता को इसे कैसे डस सकता है, मेरे पिता इतने भक्त हैं। तो एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो जो है कि अगर कोई उनके पिता के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करे, यहाँ तो उनके पिता को मार ही दिया, तो वो एक आदर्श पुत्र होने के नाते उन्होंने सोचा कि हम एक यज्ञ करते हैं, सारे सांपों के वंश को नासी कर देते हैं, क्योंकि ये सांप लोग हमारे इतने बड़े भक्त पिता का नाश कर दिया। तो उन्होंने सर्प यज्ञ किया और सर्प यज्ञ में एक एक करके सारे सर्प उस यज्ञ में गिरने लग गए और तक्षक जो था वो भी गिरने लग गया था। तो इस तरह से यज्ञ का एक अलग कहानी है। तो इस प्रकार से यज्ञ चल रहा था, तो उस यज्ञ में जो है हमारे ये ऋषि जो थे वैशंपायन जी भी मौजूद थे, व्यासदेव जी के ये शिष्य थे वैशंपायन जी। तो उन्होंने उस यज्ञ के उपरांत जो है यज्ञ की समाप्ति के पश्चात ये महाभारत जो है दिव्य काव्य को कहना शुरू किया। इस कविता महाभारत दिव्य कविता को जन्मेजय राजा को उन्होंने सुनाना शुरू किया। तो वहाँ पे सूत गोस्वामी भी मौजूद थे, तो सूत गोस्वामी जी ने भी इस महाभारत को सुना और इसे इसे शौनक आदि ऋषियों को सुनाया दोबारा। तो सूत गोस्वामी जो थे शौनक आदि ऋषियों को भागवतम भी सुनाया और महाभारत भी सुनाया। तो महाभारत की कहानी अब हम शुरुआत करते हैं। महाभारत कहानी की शुरुआत होती है एक राजा वसु से। तो राजा वसु
कौरव वंश के एक राजा हुआ करते थे। राजा वसु बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में बहुत खुशहाली थी, बहुत सुख समृद्धि थी और वो चेदी राज्य के राजा हुआ करते थे। तो राज्यपाट बहुत अच्छा से संभाल रहे थे, लेकिन संभालते संभालते वो राज्यपाट से बहुत असंतुष्ट हो गए। उनको लगा कि अब ये राज्यपाट संभालने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो जीवन में हम लोग अपने क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमें भी कोई आनंद नहीं मिलता है। तो हमें बीच बीच में हमें साधु वैष्णवों का संग करना चाहिए, भजन करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है राजा वसु हमको सिखा रहे हैं कि भगवान का जो भजन है वो वास्तविक असली चीज है। तो फिर वो भगवान का भजन करने के लिए राजपाट सबको छोड़ करके जंगल की ओर प्रस्थान किए और वहाँ पे जाके वो भगवान के ऊपर तपस्या करने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो उनकी कठोर तपस्या को देख करके इंद्र जो थे वो डर गए। आपको पता ही होगा कि इंद्र क्यों डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कोई उनका राजगद्दी छीन ना ले। तो इंद्र जो थे बहुत ही डर गए। तो उन्होंने एक युक्ति सोचा कि अरे कैसे भी करके इस राजा को जो है ना इसको तपस्या से अभी हटाना है। तो इंद्र वहाँ पे प्रकट हो गए, बोले अरे राजा रुको रुको रुको, इतना तपस्या मत करो। राजा इंद्र ने जब उनको ऐसे बोला, राजा देखिए अरे कौन बोल रहा है, तो देखिए अरे ये तो देवराज इंद्र एरावत पे बैठ के आए हुए हैं, साक्षात हमारे सामने मौजूद है। तुरंत उन्होंने अष्टांग प्रणाम किया, हे देवराज इंद्र वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हे वैष्णव आपको प्रणाम। तो इन्होंने इंद्र को प्रणाम किया, तो इंद्र ने भी उनको आशीर्वाद दिया। और उसके बाद इंद्र ने बोला, हे राजा वसु आप इतना कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तो राजा वसु बोले कि अब राज्य काज चलाने में कोई आनंद नहीं आ रहा है, अब जीवन अब सुना सुना लग रहा है, तो मन कर रहा है पूरा जीवन भगवान को ही समर्पित कर दें। तो ये राजा जो है ये एक आइडियल एग्जाम्पल है। हम लोग के जीवन में भी कभी कभी कठिनाइयाँ बाधा आती है, हमको लगता है भगवान को शरण ले लें, लेकिन फिर जैसे महाराज इंद्र यहाँ सामने आ गए राजा के सामने, तो उन्होंने उनका जो है पथ को विचलित कर दिया। वैसे ही हमारे जीवन में माया देवी जो कि अनेक समस्याओं के रूप में आती है, बोलती है पहले ये घर का ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आप पिताजी का ये प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर लीजिए, माता जी का ये प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर लीजिए, अरे बच्चे जी का ये प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर लीजिए। तो एक के बाद एक, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पाँचवा, दसवां, बारहवां, बीसवां, पच्चीसवां, सौवां। तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आते रहता है और हम लोग सॉल्व करते जाते हैं और समय नहीं मिलता है। तो इसीलिए आचार्य लोग बोलते हैं भजहु रे मन श्री नंद नंदना अभय चरणारविंद रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदना अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारहु ऐ भव सिंधु रे। अरे भाई भजन कर ले कन्हैया का, माखन चोर का, मुरारी का, अरे कर ले भाई भजन, अरे क्यों करें,
अरे क्यों करें, पूछ रहे हो? भव सिंधु में फंसे हो? अरे भाई जन्म मृत्यु के सागर में फंसे हो, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगा, कब तक ऐसे घर में बैठे रहोगे? भजन शुरू करो। तो क्यों भजन करें भाई, फिर से दूसरा प्रश्न आएगा, ठीक है बाद में करेंगे। अरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, कोरोना चल रहा है अभी, समझ रहे हैं ना, अभी पता चला अमेरिका में अभी 50,000 लोग अभी गए हैं कोरोना में, हर दिन जाते हैं 50,000 लोग, हर दिन 50,000, और टोटल काउंटिंग कितना है, 30 लाख से ऊपर है ना, 30-35 लाख से ऊपर लोग अभी जो हैं कोरोना के शिकार हो चुके हैं। तो देखिए, मुझे पूरा आइडिया नहीं है कितना है, तो देखिए पूरे वर्ल्ड में अभी कोरोना का आतंक छाया हुआ है, हर जगह लोग डरे हुए हैं, लेकिन भगवान की भक्ति बाद में करेंगे, घर में रहते हुए भी अभी जी अभी नहीं, कल करेंगे, जी जी कल करेंगे कल। तो वैसे ही देखिए, हमारे जो राजा वसु थे तो उनको इंद्र ने विचलित कर दिया, तो बोले अरे जाइए ना जनता का थोड़ा सेवा कीजिए और थोड़ा राजपाट को अच्छा से संभालिए। अरे एक्चुअली सामाजिक कार्य करना जो होता है तपस्या से बढ़ के होता है, भगवान की भक्ति से बढ़ के क्या होता है, सामाजिक, समाज की सेवा। तो इंद्र उनको बोलते हैं ये सब बाद में कीजिएगा, एकदम लास्ट में जाके, पहले जाके समाज की सेवा कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, जिनके पास घर नहीं है उनको घर दीजिए, भूखे लोगों को खाना खिलाइए, और जो है जो बच्चे गरीब हैं उनको स्कूल में पढ़ाई करने का खर्चा दीजिए, और हर प्रकार से समाज में, शहर में, जो भी आपके राज्य में जो कोई भी लोग हैं उनकी सेवा कीजिए, और चिंता मत कीजिए, मैं आपको ये एक खंभा दे रहा हूँ। तो इंद्र ने उनको एक बांस का खंभा दिया, बोला कि इसको अपने राज्य में गाड़ दीजिएगा, इसको राज्य में जैसे ही गाड़िएगा आपके राज्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा राज्य काज आपका अच्छा से चलेगा, और मैं आपको ये सोने का एक बहुत सुंदर ये रथ दे रहा हूँ, इस रथ पे आप बैठ जाइएगा, और आप जो है इस रथ पे चढ़ के आप कहाँ जा सकते हैं, तीनों लोक घूम सकते हैं, स्वर्गलोक पाताल लोक, सब लोग, तीनों लोग और इस धरती लोक पे सब जगह घूम सकते हैं इससे, और आप जितने चाहे उतनी अप्सराओं से आनंद विहार कर सकते हैं। और जो है इस प्रकार से उन्होंने एक और चीज़ दिया, उन्होंने दिया तीसरा चीज़, कमल की माला। तो इस कमल की माला को अगर आप पहन लिए तो आप किसी भी युद्ध में अगर आप लड़ने जाएंगे तो आपकी पराजय तो हो ही नहीं सकती है, सामने वाला राजा या तो हारेगा या तो मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो सुनकर राजा जो थे बहुत प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने सारे उपहारों को लेकर के फिर से राज्य में शासन करना शुरू कर दिया, तो बहुत अच्छा शासन फिर से करने लग गए। तो एक बार की बात है कि राजा जब अपने राजमहल में अपने छत पे जब घूम रहे थे तो उनके राजमहल के जस्ट बगल में एक सुक्तिमती नदी बहती थी, तो सुक्तिमती नदी में उस नदी की एक पर्सनिफाइड डीटी मतलब विग्रह थी, उसका नाम सुक्तिमती ही था, तो वो वहाँ पे विहार कर रही थी, तो उसकी सुंदरता को देख करके उस नदी के बगल में एक कोलाहल नाम का पर्वत था, तो कोलाहल पर्वत उसकी सुंदरता को देख करके, सुक्तिमती की सुंदरता को देख करके उससे आकर्षित हो गए और उनके साथ जबरदस्ती संग करने की कोशिश की। तो राजा इस दृश्य को देखे तो तुरंत अपनी तलवार को उठाए, और देखिए हमारे राज्य में कोई पुरुष जो है किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संग करने की कोशिश कर रहा है तो जाकर के कोलाहल को मारने के लिए गए, तब तक में कोलाहल वहाँ से भाग चुका था और सुक्तिमती को उसने अपना बीज दे दिया, तो उनके दो पुत्र हुए, मतलब एक दो संतान हुए, एक पुत्र हुई और एक पुत्री और एक पुत्र हुए। तो जो पुत्र थे राजा ने उसको अपने राज्य में सेनापति बना दिया, और पुत्री जिसका नाम गिरिका था उससे राजा ने स्वयं विवाह कर लिया। तो इस प्रकार से
राजकाज राजा का अच्छा से चलने लग गया था, कोई दिक्कत नहीं था, शादी भी हो ही गया था, अब क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार राजा क्षत्रिय लोग थोड़ा शिकार करने जाते हैं, उनका हाथ पैर का थोड़ा प्रैक्टिस होता है, क्योंकि राजा लोग हर दिन तो युद्ध नहीं होता है, तो भाई प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे ब्राह्मण लोग वेद पाठ उच्चारण करके प्रैक्टिस करते हैं, बिजनेसमैन लोग अपना बिजनेस करके प्रैक्टिस करते हैं, तो राजा अपना प्रैक्टिस कैसे करेगा भाई। उसको हर दिन किसी ना किसी को मारना वरना पड़ेगा, खून उन से देखना पड़ेगा। तो जंगल में गए शिकार करने के लिए, तो शिकार करने के लिए गए तो वो वसंत ऋतु का मौसम था, तो माहौल बहुत सुंदर था, बगीचे में सब जगह सुंदर सुंदर जंगल में फूल खिले हुए थे और कोयलों की आवाज़ आ रही थी, मोर अपना पंख फैला के एकदम नाच रहे थे और हर प्रकार से सुंदर वातावरण था, फूलों की सुंदर गंधे मदमस्त कर रही थी। तो राजा इस सुंदर माहौल में राजा के मन के अंदर कामुक इच्छा जागृत हो गई। तो जैसे ही कामुक इच्छा जागृत हो गई तो उन्होंने अपनी शक्ति को, जो वीर था उसको उन्होंने अपने हाथ, वो वीर को उन्होंने अपने हाथ में लिया और उसको ले करके वो सोचने लग गए कि ये जो मेरी शक्ति है इससे मैं कैसे अपनी संतान की प्राप्ति करूं। तो ये बात सोच रहे थे तभी वहां से एक चील जा रहा था, चील, तो उस समय के चील ह्यूमन से बात कर सकते थे। तो उन्होंने चील को बुलाया और उन्होंने चील को बोला, ये चील सुनो, हमारा राज्य जो है वहाँ पे जा कर के तुम जो है हमारा ये जो वीर है इसको हमारी रानी गिरिका को दे देना और बोलना कि हमने दिया है सुंदर पुत्र की प्राप्ति करने के लिए। तो उस चील ने राजा के आदेश को सुन करके उसने वीर को अपनी चोंच में लगाया और लगा करके वो हवा में उड़ने लग गया और उड़ते उड़ते जा रहा था तो सामने उसका एक प्रतिद्वंदी चील, उसने देखा कि अरे मेरा मित्र जो है अपने मुंह में बड़ा मांस का टुकड़ा लिए जा रहा है, तो क्यों ना इसको झपट्टा मार के इसका मांस का टुकड़ा छीन लेता हूँ। तो दूसरा चील ने क्या किया, पहले चील पे आक्रमण कर दिया और आक्रमण किया और दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, भीषण झगड़ा हुआ। तो ये जो चील था, पहला चील, तो उसके मुंह में जो वीर्य का जो रस था वो उसको कैरी नहीं कर पाया, वो उसके मुंह से गिर गया और गिर के नीचे जाके गिरा और नीचे एक नदी बह रही थी, तो उस नदी में जाकर के वीर्य गिर गया और उस नदी में एक मछली थी, तो मछली ने उस वीर्य को पी लिया और वीर को पी लिया तो उस मछली के पेट में दो मनुष्यों के गर्भ स्थापित हो गए, एक थी सत्यवती, दूसरे थे मत्स्य। तो ये जो मछली थी वास्तव में एक अप्सरा थी, तो उस अप्सरा का नाम था अप्सरा अंद्रिका। तो अंद्रिका अप्सरा जो थी उन्होंने कुछ गड़बड़ किया था तो उनको श्राप मिला था कि जाओ मछली का शरीर में बन जाओ, तो बेचारी वो श्राप के कारण मछली के शरीर में थी। तो एक बार एक मछुआरा वहाँ पे आए और अपना जाल फैलाए तो वो मछली अंद्रिका अप्सरा जो मछली के रूप में थी उसको उन्होंने पकड़ लिया और उसको अपने घर में लेके आए और उस मछली को ला करके उन्होंने उसको जैसे ही काटा देखिए अंदर से दो बच्चे की रोने की आवाज़ आई, देखा तो उसके अंदर दो बच्चे थे, बहुत ही सुंदर बच्चे थे, एक पुत्र थी, एक लड़का था और एक लड़की थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस सुंदर उपहार को राजा वसु को समर्पित किया जाए। तो उन्होंने कन्या और लड़के दोनों को लेकर के राजा वसु के सामने प्रकट हो गए। तो राजा वसु ने जैसे ही उस लड़के और लड़की को देखा तो पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब उन्होंने ध्यान से देखा उन्हें लगा कि अरे ये तो मेरा ही पुत्र लग रहा है, बिल्कुल मेरे जैसा ही लग रहा है।
हो ना हो ये मेरा ही पुत्र है। तो वो समझ गए कि ये मेरा ही पुत्र है। तो उन्होंने मछुआरे से पूछा, तुमको कहाँ मिला? तो बोले, ऐसे ऐसे मछली के गर्भ में मिला। तो राजा समझ गए कि ये उनका वीर चील लेके जा रहा था, हो सकता है उसे गिर गया होगा तो मछली ने खा लिया होगा। तो इस प्रकार से राजा समझ गए कि मेरा पुत्र है। तो उन्होंने लड़के को तो रख लिया और उनको नाम मत्स्य दिया और उनको राजा बना दिया। और जो लड़की थी बोली कि तुम इसको ले लो मछुआरे, तुम्हें ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो जो लड़की थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही रूपवान, बहुत ही सुंदर, एकदम अप्सरा से भी सुंदर और बहुत ही शालीन, सारे गुणों से भरी हुई। तो उस लड़की को लेकर के मछुआरे वापस आ गए और उसका पालन पोषण करने लग गए। तो जैसे जैसे लड़की बड़ी हो रही थी, उसकी सुंदरता बढ़ती जा रही थी, बहुत ही सुंदर थी। तो लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वो कमी ये थी कि उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, क्योंकि वो मछली से जन्म ली थी ना, तो इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। तो इसीलिए सुंदर होने के बाद भी कोई पुरुष उससे आकर्षित नहीं होता था। तो एक बार की बात है कि पराशर मुनि जो थे वो उसी गंगा नदी के तरफ से जा रहे थे। तो उन्होंने इस लड़की को देखा, सत्यवती को देखा, तो उसके रूप को देख करके बहुत आकर्षित हो गए। और पराशर मुनि एक्चुअली जो थे ज्योतिषाचार्य थे, मतलब उन वो भगवान के भक्त तो थे ही, उनको ज्योतिष विद्या भी आती थी। तो उन्होंने आसमान में देखा तो देखा कि ये जो नक्षत्र है ये तो बहुत ही सुंदर नक्षत्र है। इस नक्षत्र को देख के लग रहा है कि भगवान का अभी जन्म होने वाला है। और वो जन्म कहाँ होने वाला है? तो वो अभी इसी जगह पे होने वाला है और अभी ही होने वाला है, इसी मुहूर्त में, मतलब इसी मुहूर्त में, मतलब कुछ सेकंड में होने वाला है। उसको देख करके वो थोड़े से घबराए और उन्होंने सत्यवती को भी देखा था। तो फिर वो सत्यवती जो थी वो नाव अपना चला रही थी, तो पराशर मुनि उनकी नाव पे जाके बैठ गए और उसके सुंदर रूप को निहारने लग गए। तो सत्यवती शर्मा गई क्योंकि तो एक बड़े ऋषि मुनि थे और वो एक लड़की को देख रहे हैं। तो सत्यवती शर्मा गई तो बोली कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आसपास में यहाँ बहुत सारे लोग देखिए किनारे में हैं, लोग क्या कहेंगे? तो पराशर मुनि जी जो थे तो उन्होंने अपने यौगिक शक्तियों से वहाँ पे अंधेरा कर दिया, पूरी तरह से अंधेरा। और अंधेरा करने के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा बादल बादल छा गया वहाँ पे। तो ना कोई नदी के इस पार से उस पार देख सकता है, ना उस पार से इस पार देख सकता है। फिर पराशर मुनि ने अपनी इच्छा व्यक्त की सत्यवती से, हे सत्यवती, मैं तुमसे एक पुत्र की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो सत्यवती बोली, अरे हद करते हैं जी, कैसे कैसे पुत्र की प्राप्ति होगी? अरे भाई, आपको पुत्र की प्राप्ति करनी है, अरे मेरे पिताजी से बात कीजिए ना, मेरा पहले ये कीजिए, शादी करवाइए, मंगनी कीजिए। ऐसे बिना शादी किए ऐसे क्या, आप ऋषि मुनि हैं और पुत्र, मतलब गजब करते हैं आप, तो सारे सिद्धांत के ज्ञाता हैं, ऐसे कैसे पुत्र की प्राप्ति? और आप ऐसे भी बूढ़े हैं और मैं युवक युवती हूँ, तो कैसा ये मैच है? तो बोले, देखो सत्यवती, जो कुछ भी है मुझे पुत्र चाहिए। तो सत्यवती बोलती है, लेकिन अगर पुत्र अगर आपको दे देता हूँ फिर मुझसे शादी कौन करेगा? आप तो पुत्र देकर चले जाएंगे, फिर मेरे से शादी कौन करेगा? ऐसे बहुत सारे वो कंडीशन रखते हैं। तो सत्यवत मुनि बोलते हैं कि देखो सत्यवती, तुम डरो मत, तुम्हारे से मैं एक पुत्र प्राप्ति करूँगा, जो कि पुत्र भगवान के जो हैं वेदों के एक अवतार होंगे, जो कि वेद व्यास होंगे। तो वो बहुत बड़े रचयिता होंगे वेद शास्त्रों के, उनकी ख्याति तीनों जगत में विख्यात होगी। तो तुम्हें इतने सुंदर पुत्र होंगे। और जहाँ तक रही बात तुम्हारी वर्जिनिटी की, तो तुम कुंवारी ही रहोगी, तुम्हारा जो है सतीत्व, तुम्हारा जो सतीत्व है वो नष्ट नहीं होगा। तो फिर सत्यवती ने एक तीसरा कंडीशन रखा,
कि ये मेरे शरीर से बहुत मछली की गंध आती है, तो आप इसको जो है थोड़ा ठीक कर दीजिए। तो प्रासन ने बोला कि आपके शरीर से एक ऐसी सुगंध आएगी जिसकी गंध 12 माइल दूर तक जाएगी। कितना दूर? 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर, 12 माइल दूर। तो ये बात सुन करके सत्यवती खुश हुई। तो पराशर मुनि ने सिर्फ सत्यवती को स्पर्श किया, सिर्फ स्पर्श करने मात्र से ही वो गर्भवती हो गई। उसे कोई संग नहीं किया, जो फिजिकली जैसा इस दुनिया में स्त्री पुरुष करते हैं वैसा कुछ संग नहीं किया, सिर्फ उसका स्पर्श किया और स्पर्श मात्र से तुरंत ही उनको एक पुत्र पैदा हो गया। उस पुत्र का नाम व्यासदेव पड़ा। तो वो पुत्र जो थे काले रंग के थे, और जो उनको उन्होंने और उनका जन्म हुआ कहाँ पे? द्वीप के किनारे हुआ, नदी के किनारे द्वीप पे हुआ था। तो इसीलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव। तो व्यासदेव जी जो थे वो जन्म लिए और एक ही बार में बड़े हो गए, और उन्होंने अपनी माता से बोला, हे माता, हे माते, आपको कभी भी कोई भी समस्या हो आप मुझे याद कीजिएगा, मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो इस बात को सुन करके माता खुश हुई और बोली कि मैं अब यहाँ से चला जाता हूँ। ये बोल करके व्यासदेव वहाँ से अब प्रकट हो गए। अब आती है कहानी, धरती पर एक बार परशुराम जी ने, एक बार नहीं 21 बार परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। तो बहुत सारे क्षत्रिय लोग अब खत्म हो चुके थे, धरती पे कोई क्षत्रिय नहीं थे। तो फिर हुआ कि भाई ये धरती पे राज्य काज कैसे चलेगा। तो जितनी भी क्षत्रिय की जो स्त्रियां थी, तो वो सारी स्त्रियां जो थी परशुराम जी के डर से वो लोग छुपी हुई थी। तब परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों का विनाश करने के बाद तपस्या करने चले गए, मीन्स अब और वो क्षत्रियों का संहार नहीं करने वाले हैं। तो सारी क्षत्रिय औरत जब इस बात को समझी, तो फिर उन्होंने अपने अपने जो भी गुफाओं में और जहाँ जहाँ भी वो लोग छुपे हुए थे सब लोग निकले, और उन लोगों ने योग्य ब्राह्मणों से विनती की कि कृपया करके हमें पुत्र दीजिए ताकि हम अपने वंश को चला सकें। उस समय ऐसा नियम था कि कोई क्षत्रिय औरत जो कि लोअर कास्ट की है, ब्राह्मण जो कि अपर कास्ट के हैं, तो उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए कर सकती थी संबंध, सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए। तो ये उस युग में था, कलयुग में नहीं है, द्वापर युग में था। तो इस प्रकार से क्षत्रिय औरतों से संपर्क करके जो है क्षत्रिय औरत ने ब्राह्मणों से संपर्क करके वास्तव में फिर से पुत्रों की प्राप्ति शुरू की। तो बहुत सारे देवता और असुर लोग भी क्षत्रिय औरतों के गर्भ से जन्म ले रहे थे। तो उस समय जो एक राक्षस थे विप्रचित्ति, तो वो जरासंध के रूप में प्रकट हुए। फिर हिरण्यकश्यपु जो थे वो शिशुपाल के रूप में प्रकट हुए, और अनुलाद जो कि प्रहलाद का भाई था वो धृष्टकेतु के रूप में प्रकट हुए, और वस्कल जो थे वो भागदत्त राक्षस के रूप में प्रकट हुए, और कालनेमी जो था राक्षस जिसको भगवान विष्णु ने संहार किया वो कंस के रूप में प्रकट हुआ, और बृहस्पति के जो पोर्शन थे वो द्रोणाचार्य के रूप में प्रकट हुए, और जो थे शिव यम काम और क्रोध के जो यूनाइटेड पोर्शन थे वो अश्वत्थामा के रूप में प्रकट हुए। द्वापर युग के जो पर्सनिफाइड थे बोले कि मैं भी जन्म लेना चाहता हूँ, मैं भी भगवान की लीला देखना चाहता हूँ, वो शकुनी के रूप में प्रकट हुए, और जो शुद्धता के प्रतीक थे वो पांडु के रूप में प्रकट हुए, और जो कलियुगा के भाग थे वो दुर्योधन के रूप में प्रकट हुए, और जो धर्मराज थे वो धर्म युधिष्ठिर के रूप में प्रकट हुए, और इंद्र जो थे वो अर्जुन के रूप में प्रकट हुए,
और वायु जो थे भीम के रूप में प्रकट हुए, वायु जो थे वो भीम के रूप में, और अश्विनी कुमार जो थे वो नकुल और सहदेव के रूप में प्रकट हुए। तो इस प्रकार से पांचों पांडवों का जन्म इन लोगों से हुआ था, और सनत कुमार से प्रद्युम्न आए थे, और जो 16,000 स्वर्ग की अप्सरा थी तो वो जो थी भगवान की 16,000 रानियाँ बनी, लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी बन के आई थी, और सची जो कि इंद्र की पत्नी थी द्रौपदी बन के आई थी, और सोम का जो पुत्र था वर्चा वो अभिमन्यु बन के आया था। तो जो सोम था वो बोला कि मेरे बेटा को ज़्यादा दिन के लिए मत ले जाओ, इसको ले जाना और जल्दी वापस भेज देना। इसलिए अभिमन्यु जो था 16 साल की अवस्था में ही युद्ध में लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ और वापस अपने पिता चंद्रमा के पास चला गया। तो वर्चा जो था वो चंद्रमा का लड़का था, वापस वो चंद्रमा के पास चला गया। तो इस प्रकार से अब आती है कथा महाभीष की। तो महाभीष जो है इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत उन्होंने यज्ञ तपस्या किया। तो इसके फलस्वरूप बहुत उन्होंने यज्ञ तपस्या किया तो इसके फलस्वरूप जो है उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो स्वर्ग की प्राप्ति के पश्चात जो है वो ब्रह्मा जी के दरबार में आए, और ब्रह्मा जी के दरबार में सारे देवता थे, और उस समय गंगा भी उस सभा में बैठी हुई थी। तो उस समय हवा का एक तेज झोंका चला और माता गंगा के जो वस्त्र थे वो कुछ ऊपर से थोड़ा नीचे गिर गए। तो इस चीज़ को देख करके सारे देवता लोग जो थे वो उन्होंने इस चीज़ को देख करके सारे देवता लोग जो थे उन्होंने अपना सिर झुका लिया। लेकिन ये महाभीष राजा जो थे इन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया, ये घूर घूर के गंगा को देख रहे थे, मतलब ये अपने आंखों से गंगा को देख रहे थे और गंगा भी इनको देख रही थी। तो इस चीज को देख करके ब्रह्मा जी, क्या चल रहा है भाई, ये हम यहाँ सामने बैठा है भाई, सीनियर आदमी बैठा है उसके सामने में कुछ शर्म नहीं आता है, दोनों क्या कर रहा है, अभी अभी स्वर्ग में आया ये और ये भी से लीला चालू कर दिया। तो बहुत गुस्सा आया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बोले मूर्ख पापी, तुम धरती पे रहने के लायक ही हो, जाओ वापस धरती में जन्म लो, तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो, जाओ धरती पे, जाओ धरती पे तुम्हारा फिर से जन्म होगा। और गंगा को बोले अरे तुम तो भगवान के पैर से निकल गए हो, तुम क्या कर रही हो, तुम भी ऐसे ही हो, जाओ तुम्हारा भी जन्म होगा। तो इस प्रकार से गंगा को भी वापस भेज देते हैं और जो राजा हैं उनको भी वापस भेज देते हैं। तो दोनों को धरती लोक में वापस भेज, ये वापस जाने का श्राप दे देते हैं। इधर एक दूसरी कथा आती है इसी समय पैरेलल में, एक और कथा चलती है वसु की। तो वसु कितने हैं, 8 वसु हैं। तो उसमें से जो एक द्यूम नाम का वसु था, द्यू नाम का जो वसु था, एक बार अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहे थे। तो विहार करते करते एक बार वशिष्ठ मुनि के आश्रम से गुजर रहे थे। तो उसमें वशिष्ठ मुनि कहीं गए हुए थे तो उनकी आश्रम में उन्होंने एक नंदनी गाय को देखा जो कि साक्षात कामधेनु थी, सुरभि की पुत्री थी, बहुत ही तेजस्वी गाय थी। तो उस गाय को देख करके ये आकर्षित हो गए, बोले कि ये जो गाय है इसको अगर हम प्राप्त कर लेंगे ना तो हम लोग जो हैं अजर अमर हो जाएंगे, हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी, और ये गाय जो है सारा जो है ना धन्य धान्य सुख संपत्ति सब कुछ देने वाली है, ये इच्छा वाली गाय है, इससे आप जो इच्छा करो वो दे देगी, क्यों ना अभी वशिष्ठ नहीं है तो इस गाय को चोरी करके लेके चले जाते हैं। तो ऐसी इच्छा इसने की, द्यू की पत्नी ने की। तो द्यू ने बोला अरे तुम जानती नहीं हो वशिष्ठ बहुत शक्तिशाली ऋषि हैं, वो त्रिकाल यज्ञी हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं। बोले अच्छा, लेकिन मुझे चाहिए, तुम कैसे पति हो नपुंसक हो, अपनी पत्नी की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो,
देखिए बहुत बार होता है कि पति लोग पत्नी की इच्छा पूरी करने के चक्कर में ऐसा कुछ कार्य कर बैठते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कर बैठते हैं, तो इसका सजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा जो है पत्नी की इच्छा को तो करना चाहिए पूर्ति, मगर सोच समझ के करना चाहिए इसका क्या फ्यूचर कंसिक्वेंस होगा। बिना सोचे समझे जो भी पत्नी बोले सब कुछ नहीं कर देना चाहिए। तो यही गलती हो गई दीव के साथ। तो पत्नी बोली कि हमें गाय चाहिए, तो गाय को उन्होंने क्या किया, उठा लिया और चले गए गाय को लेकर के। और इधर वशिष्ठ जी को पता चला कि अरे मेरा गाय यहाँ से गायब हो गया है। तो उन्होंने तुरंत मेडिटेशन किया, ओम जब उन्होंने ध्यान किया तो देखते हैं अरे ये क्या, हमारे आश्रम में ये वसु, ये आकर के, ये नीच देवता आकर के हमारी नंदनी गाय को लेकर के गया है। बहुत क्रुद्ध हो गए, बोले अभी मैं सारे वसुओं को श्राप देता हूं कि एक के बाद एक करके सारे वसु अब धरती लोक में जन्म लेंगे, एक के बाद एक करके सारे वसुओं का जन्म होगा, सब लोग इस धरती पे आएंगे। उस समय देवताओं को धरती पे जन्म लेना कैसा था, जैसे कि इस धरती पे कोई आदमी है, मान लीजिए हम लोग हैं, उसको बोले जाओ नरक में जाओ, नरक में जाओ जहाँ पे चील कौवे तुमको नोच नोच के खाएंगे। तो देवताओं के लिए इस धरती पे आना मतलब नरक में आने के जैसा ही था कुछ, कि वो नरक अब आ गए हैं। तो जब इस सजा को सुने, इस श्राप को सुने, तो सारे वसु बहुत चिंतित हो गए, बोले अब क्या होगा क्या होगा, कैसे बचे कैसे बचे। तो सारे वसु जो थे एक साथ प्रकट होकर के अब वशिष्ठ के पास आ गए और बोलने लगे देखिए भाई गलती तो एक आदमी ने किया और आप हम सबको सजा दे रहे हैं। बोले वशिष्ठ मुनि बोले भाई तुम लोग आठों भाई एक साथ हो तो तुम सबको सजा मिलेगा, तुम सब लोगों ने मिलजुल के मेरा गाय चोरी किया है, लेकिन चोरी तो इसने किया ना अपनी पत्नी के खाने पे, हम लोग का थोड़ा सजा माफ कर दीजिए। तो इस बात पे वशिष्ठ मुनि बोले कि ठीक है तुम सातों भाई को केवल जन्म लेना पड़ेगा और तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और वापस तुम लोग स्वर्ग आ जाओगे, लेकिन ये जो आठवां है ना द्यू, इसको धरती पे कुछ दिन रहना पड़ेगा। तो ये बात बोल करके जो है वशिष्ठ मुनि अप्रकट हो गए और वसु लोग भी अपने 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 श्राप के कारण उनको जन्म लेना पड़ गया, मतलब जन्म लेना पड़ा। तो ये श्राप मिलने के बाद जो था, अभी धरती पे जन्म नहीं हुआ था, धरती पे जन्म होने वाला था, तो वसु लोग बहुत चिंतित थे, वो गंगा से मिले। तो गंगा और वसु दोनों स्वर्ग में थे, तो दोनों एक दूसरे से मिले और अपना स्टोरी सुनाने लग गए, जानते हो मेरे को भी श्राप मिल गया। तो वसु लोग बोलते हैं अरे मेरे को भी श्राप मिल गया, तो दोनों एक दूसरे को पूरा कहानी सुनाने लग गए। तो फिर गंगा ने वसु को बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, कि जो तुम्हारे एक जो तुम सात वसु होंगे मैं एक एक करके सातों को जैसे जन्म होगा तो वे सब मैं सबको जो है मार डालूंगी, लेकिन एक वसु को रहना पड़ेगा और उस वसु में आप सारे सातों वसु अपनी सारी शक्ति को उसके अंदर दे दीजिए, अपना 1/8 जो होता है ना 1/8 मतलब आठवां भाग की शक्ति आप लोग उस एक वसु में दे दीजिए जो कि द्यू था, और वो जो है हम वो मेरा पुत्र बन के इस धरती पे रहेगा और वो लंबे साल तक इस धरती पे राज्य काज संभालेगा और जो है और उसका कोई पुत्र नहीं होगा, और इस प्रकार से वो करके फिर वो वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से गंगा जो थी वो भी धरती पे आई थी, गंगा तो धरती पे थी लेकिन पर्सन के रूप में उनको भी धरती पे आना पड़ा। और इधर जो राजा महाभीष्ट थे
तो उनको जो श्राप मिला था तो वो शांतनु महाराज बन के आए थे। तो इनकी भी बहुत सुंदर कहानी है, इनकी जन्म की कहानी, तो हम इस पर अभी चर्चा करते हैं। तो एक राजा थे महाराज प्रतीप। तो महाराज प्रतीप अपने राज्य काज को संभाल रहे थे, तो राजा लोग अपने राज्य को अच्छे से चलाने के लिए थोड़ा तपस्या भी करते थे। तो एक बार तपस्या करने वन गंगा के किनारे गए थे, तट पे, वहाँ तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या कर रहे थे तो वहाँ देखिए एक सुंदर लड़की वहाँ पे गंगा नदी के किनारे थी, और वो इनका तपस्या बार बार भंग करने का कोशिश कर रही थी, और ये बार बार तपस्या किए जा रहे हैं। और एक बार तो हुआ कि वो स्त्री आकर के इनकी दाहिनी जंघा पे आकर बैठ गई और बोली, क्या अजी मुझसे शादी करेंगे? तो प्रतीप महाराज ने बोला, अरे भाई, अरे स्त्री, मैं तो अभी तपस्या करने वाला हूँ, तुम मेरे पुत्र से शादी कर लेना, मेरा पुत्र होगा उससे शादी कर लेना। तो इस प्रकार, और ऐसे भी तुम तो मेरी दाहिनी जंघा पे बैठी हो, और दाहिनी जंघा तो पुत्री का होता है, तो तुम मेरी बहू बन जाओ जो कि पुत्री के समान ही है। तो इस प्रकार से गंगा को उन्होंने बोल दिया, और गंगा की भी तो यही इच्छा थी, क्योंकि शांतनु महाराज तो वही महाभीष थे जो कि श्राप मिला था। तो फिर से शांतनु और गंगा जो थी उनका विवाह हुआ। तो विवाह के उपरांत गंगा ने कंडीशन रखा, दो कंडीशन रखा कि मैं जो कुछ भी करूंगी उसमें आप अवरोध उत्पन्न मत कीजिएगा। क्या बोले थे? मैं जो कुछ भी करूंगी इसमें आप अवरोध डिस्टर्बेंस नहीं कीजिएगा, समझ गए? और दूसरा चीज, आप कभी मेरे पे गुस्सा होके मत बोलिएगा, जोर से चिल्ला के मेरे ऊपर मत बोलिएगा। तो महाराज शांतनु बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे कोई भी कार्यों में कोई अवरोध नहीं करूंगा और तुम पे कभी भी गुस्सा नहीं होऊंगा। तो इस प्रकार से गंगा और शांतनु से एक के बाद एक करके पुत्र होने लग गए। तो गंगा क्या करती थी कि सारे पुत्रों को लेती थी और ले जाके गंगा में स्वाहा। राजा शांतनु देखे, अरे कैसी औरत है, पुत्र को ले जा करके मार दी, निर्दयी कसाई कैसी है। फिर कुछ नहीं बोले, अरे बोलूँगा तो भाग जाएगी, इतनी सुंदर लड़की है, बोले तो प्रॉब्लम, नहीं बोले तो प्रॉब्लम। पता है ना, कभी बोलने पे प्रॉब्लम होता है, कभी नहीं बोलने पे प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग को पता ही होगा, बताने का जरूरत नहीं। तो इसी बात थी। तो फिर पुत्री को फिर जो था उनको दूसरा पुत्र हुआ, तो उसको भी उन्होंने गंगा में डाल दिया, तीसरा को भी डाल दिया, चौथा पाँचवा छठा सातवां, हद हो गया भाई, सबको एक पर एक मारे जा रही है, ये कैसी कसाई स्त्री है भाई। जब एक बार आठवां पुत्र हुआ, तो जब उसको मारने जा रहे थे तो महाराज शांतनु ने उनका हाथ पकड़ लिया, बोली, कुलच्छिनी कसाई औरत, कैसे तुम ऐसे मार सकती हो मेरे पुत्रों को, तुमको थोड़ा सा भी ममता नहीं है, ऐसे पुत्रों को मार रही हो। तो गंगा बोली, आपने दो कंडीशन तोड़ दिया, पहले तो आपने जोर से बोला गुस्सा होकर के और मेरे कार्य में अवरोध किया, तो अब मैं यहां से अप्रकट हो जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी, और इस पुत्र को भी लेके जाती हूँ। तो फिर महाराज रोने लगे, बोले नहीं नहीं मुझे ये पुत्र वापस दे दो। बोले नहीं, मैं इसको लेके जाऊंगी। और उन्होंने, गंगा ने उस पुत्र को लेकर के वो नदी में अप्रकट हो गई, और महाराज शांतनु का तो अब हालत खराब। अरे भाई, मतलब एक पुत्र हुआ था वो भी चला गया, तो महाराज शांतनु रोने लग गए, ऐसे करके अपना राज्य संभाल रहे थे लेकिन कोई आनंद नहीं आ रहा था। तो फिर एक बार गंगा के पास आए और रो रो कर बोलने लग गए, हे गंगा देवी, प्रकट हो जा, प्लीज मेरे पुत्र को दे दे, मेरा पुत्र मुझे वापस दे दे। तो बहुत रो रहे थे, सुबह से शाम तक रोए जा रहे थे। गंगा देवी वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने देवव्रत को वापस उनको सुपुर्द किया।
और बोला कि ये जो देवव्रत है ये सारे वेद शास्त्र में निपुण है, सारे युद्ध कला में निपुण है, सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान से भरपूर है और इसके अंदर राज्य काज चलाने की संपूर्ण ट्रेनिंग है। ये था गंगा माई का जो है ना ट्रेनिंग स्कूल, गंगा माई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे ये पढ़ के आए थे गंगा माई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो सारे वेद शास्त्र में ये पारंगत थे। तो इस प्रकार से जो थे तो उनको वापस दिया और उस पुत्र को जब शांतनु महाराज ने प्राप्त किया तो बहुत खुश हुए, बहुत ही आनंद हुआ उनको। तो इस प्रकार से महाराज शांतनु जो थे अपना राज्य काज संभाल रहे थे और देवव्रत को युवराज भी बना दिया था और उनको राजा भी बनाने वाले थे कुछ ही दिनों में। तो यूँ हुआ एक बार जो थे महाराज शांतनु एक बार जंगल में गए थे शिकार करने के लिए। तो शिकार करते करते उनको एक गंध सुनाई दिया, बहुत ही सुंदर गंध। उस गंध को सुन करके वो आकर्षित हो गए और उस गंध की दिशा में चलने लग गए। चलते चलते 12 मील तक चले, 12 मील तक चले तो फिर वहाँ पे यमुना नदी आई। वहाँ आ जाते हैं तो देखते हैं कि गंध यहीं से आ रही है नदी से। तो नदी के तरफ जाते हैं तो देखते हैं गंध कहाँ से आ रही है किधर से आ रही है। जाते हैं नज़दीक, बढ़ते जाते हैं, देखते हैं अरे एक सुंदर स्त्री से गंध आ रही है। वो सुंदर स्त्री कौन थी? वो सुंदर स्त्री थी सत्यवती, वही मछली के पेट से जन्म लेने वाली लड़की। उसकी सुंदरता को देख के आकर्षित हो जाते हैं, बोलते हैं हे सुंदर कन्या तुम मेरी पत्नी बन सकती हो क्या? सुंदर कन्या बोलती है मैं पत्नी बन सकती हूँ लेकिन मेरे पिताजी से आपको बात करना पड़ेगा। उसके पिताजी वहाँ पे आ जाते हैं, बोलते हैं हे राजा मैं अपनी बेटी तुमको दूंगा मगर एक कंडीशन है। बोले क्या कंडीशन है? बोले कंडीशन ये है कि मेरी जो पुत्री है ना इसका लड़का राजा बनेगा। सुन के राजा को एकदम लगा हाँ इसका लड़का राजा बनेगा, ऑलरेडी मेरे पास देवव्रत है। दूसरा कंडीशन है जो तुम्हारा देवव्रत है ना उसको बोलो कि शादी नहीं करने के लिए, वो राजा नहीं बनेगा। समझ गए? तो इस बात पे जो थे राजा पूरे दुखी हो गए, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, देवव्रत तो इतना कुशल है, राजा तो उसी को होना चाहिए। तो बोले इस बार राजा ने यश नहीं किया क्योंकि पिछले बार गंगा से उनको सबक मिल गया था, भाई बिना सोचे समझे हाँ नहीं कहना है। तो राजा ने स्वीकार नहीं किया उस मछुआरे का प्रस्ताव, बिना उसका प्रस्ताव को स्वीकार किए वापस चले गए राज्य में जा कर के अपने मंत्रियों को बताया अपना दुख और पूरा दुखी रहने लग गए। तो इधर देवव्रत को पता चला कि मेरे पिताजी दुखी हैं तो उनके दुख का कारण पूछा, पिताजी आप दुखी क्यों हैं? तो पिताजी कुछ बोल नहीं रहे थे तो मंत्री से उन्होंने पूछा, मंत्री बताओ मेरे पिता के दुख का कारण क्या है? तो मंत्री ने बोला कि अरे जानते हो तुम्हारे पिताजी सत्यवती से शादी करना चाहते हैं लेकिन क्योंकि अब तुम जो हो तो तुम्हारे कारण वो शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस सत्यवती के पिता ने ऐसा ऐसा कंडीशन रखा है। तो ये बात सुन करके देवव्रत बोले कि मैं पिताजी का शादी करवाऊंगा, मेरे रहते हुए पिताजी को कोई कष्ट नहीं हो सकता। तो अपना पुत्र निष्ठा में आ गए और जा करके वो जो थे सीधा गए सत्यवती के पिताजी के पास। बोले मछुआरे को बुलाए, बोले तुम्हारा क्या क्या कंडीशन है? तो मछुआरे ने अपना सारा कंडीशन बताया। बोले कि मैं इस राज्य का राजा नहीं बनूंगा पहला बात, और सत्यवती का लड़का ही राजा बनेगा दूसरा बात, और तीसरा बात कि अगर जो है मेरा कोई पुत्र होगा तभी तो वो राजा बनेगा फ्यूचर में, मैं शादी ही नहीं करूंगा जिससे कोई मेरा फ्यूचर में पुत्र भी होगा
जो कि राज्य करेगा। तो मैं ये तीन प्रतिज्ञा ली कि जो है मैं राजा नहीं बनूंगा, और जो है सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा, और जो है मैं कोई शादी नहीं करूंगा और मेरा कोई पुत्र नहीं होगा जो कि राज्य करेगा। ये बात सुनकर के मछुआरा जो था पूरा खुशी से पागल हो गया, और उन्होंने सत्यवती को और अपने पिताजी को शादी करवाया। देखिए कैसा पुत्र है, अपने पिता को इच्छा पूर्ति करने के लिए खुद ऐसा भीषण प्रतिज्ञा लिए। और जानते हैं क्षत्रियों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो महल में रहना, राज्य काज सबको संभालना, सुंदर स्त्रियां भी रहती हैं, सब कुछ रहते हुए भी वहाँ पे आपको बोला जाए कि नहीं भाई शादी मत करो, मतलब आपके सामने में गुलाब जामुन, चाउमीन, पिस्ता, पाजा, समोसा सब कुछ रख दिया जाए, एक पर एक रसमलाई, मैंगो, बहुत सुंदर सुंदर आम का शरबत, सब कुछ रख दिया जाए, और आपको बोले कि नहीं आपको कुछ खाना नहीं है, तो कैसा लगेगा। भीष्म देव का प्रतिज्ञा भी बिल्कुल ऐसा ही था, राजमहल में रहना, राजा के आवेश में रहना और बिना शादी किए रहना, बिल्कुल ऐसा ही था। तो इस प्रकार से जो है भीष्म ने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा ली, इसलिए देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा, क्योंकि ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली तीनों लोग कांप गया। और जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली तो सारे देवता लोग जो थे पुष्पों की बारिश करने लग गए और उसको बोलने लगे, जय जय भीष्म पितामह की जय, भीष्म पितामह की जय, भीष्म पितामह की जय, भीष्म पितामह की जय, भीष्म पितामह की जय। तो तीनों लोगों में जो था ये हाहाकार मच गया कि भीष्म ने भीषण प्रतिज्ञा ली। तो इस प्रकार से जो थे ये महाराज शांतनु का राज्य का चल रहा था बहुत अच्छे तरीके से। तो महाराज शांतनु अपने पुत्र से बहुत प्रसन्न हो गए, बोले हे भीष्म तुमने मेरे को बहुत प्रसन्न किया है, तो मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, तुम्हारी जब इच्छा हो तभी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। देखिए पिता को प्रसन्न करने का परिणाम कि कोई अगर पुत्र सही में अगर कुछ करना चाहता है तो उसे अपने पिता को प्रसन्न करना ही पड़ेगा। माता पिता को बिना प्रसन्न किए हुए कोई भी पुत्र कैसा भी क्यों ना हो, कोई भक्त भी क्यों ना हो, उसे भी अपने माता पिता को प्रसन्न करना ही पड़ेगा। बिना माता पिता को आप प्रसन्न किए, बिना उनका आशीर्वाद लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हर पुत्रों का कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की सेवा अच्छे से करें। तो अब क्या हुआ कि महाराज शांतनु जो थे उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम हुआ चित्रांगदा, दूसरा का नाम हुआ विचित्रवीर। क्या था, पहला का नाम चित्रांगदा, दूसरा का नाम विचित्रवीर। चित्रांगदा जो थे वो बहुत ही प्रतापी राजा थे, सूरवीर राजा थे, तो राज्य काज को एकदम अच्छा से संभाला, पूरा एकदम पूरा धरती पे उन्होंने राज्य किया। तो उनके ऐश्वर्य को देख करके एक स्वर्ग में एक गंधर्व थे, उसका भी नाम था चित्रांगदा, तो वो इनसे ईर्ष्यालु हो गए। इस दुनिया में होता ही है, जब आपके पास बहुत आपका जब मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाता है, जब आपके पास बहुत धन ऐश्वर्य आ जाता है, तो लोग कभी कभी ईर्ष्यालु हो जाते हैं। वैसे ही हुआ, तो चित्रांगदा से स्वर्ग का चित्रांगदा जो था, तो स्वर्ग का चित्रांगदा धरती के चित्रांगदा से ईर्ष्यालु हो गया, और ईर्ष्यालु होने के उपरांत जो था युद्ध का ऐलान कर दिया। 3 साल तक युद्ध लड़ा, युद्ध चला, पूरे 3 साल तक युद्ध चला, और ये जो धरती का चित्रांगदा था ये स्वर्ग के चित्रांगदा के द्वारा परास्त हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। फिर राज्य में फिर से संकट आ गया, क्योंकि एक योग्य राजा की मृत्यु हो गई। तो फिर विचित्रवीर जो थे बच्चे ही थे उस समय, तो उनको राजा बना दिया गया, और भीष्म ही एक्चुअली राज संभाल रहे थे, और विचित्रवीर नाम मात्र के गद्दी पे बैठे हुए थे। इस प्रकार से राज्य काज चल रहा था, विचित्रवीर अब थोड़े बड़े हुए, किशोर अवस्था को प्राप्त किए, तो भीष्म को चिंता हुई अरे भाई गद्दी को कैसे बढ़ाया जाए, वंश को कैसे बढ़ाया जाए। तो उस समय काशी राज्य के राजा के राज्य में स्वयंवर चल रहा था, तो उसकी 3 कन्या थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, तो तीनों का विवाह हो रहा था। तो उस स्वयंवर के लिस्ट में धरती के सारे राजाओं का नाम था,
लेकिन हस्तिनापुर के जो था भीष्म तो योग्य थे नहीं, और ये विचित्रवीर का नाम नहीं था तो उनका नाम नहीं आया था उस स्वयंवर में, लेकिन फिर भी भीष्म जो थे बिना इनवाइट किए हुए उस स्वयंवर में पहुंच गए, बिना इनवाइट किए हुए, नॉन इनवाइटेड गेस्ट, और वहां पहुंच गए और क्या किए, और जा करके अम्बा अम्बिका अम्बालिका तीनों का हाथ पकड़ लिए, तीनों का हाथ पकड़ के रथ पे बैठाए, और ये बात देखे तो सब लोग एकदम हैरान रह गए कहाँ से भीष्म आ गया, और उसको देख के सब लोग एकदम आश्चर्यचकित रह गए, और सब लोग ने बोला आक्रमण आक्रमण, मारो इसको मारो। और भीष्म देव तो कोई साधारण आदमी नहीं है भाई, गंगा के पुत्र हैं, गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के आए हैं, सारे शस्त्र विद्या में निपुण है, कौन इनका सामना करे भाई। तो भाई जब आ गए तो भीष्म जो थे पहले रथ को एकदम लेके भागना शुरू किए, दूर तक भागे, कुछ 500 मीटर, हजार मीटर, एक किलोमीटर तक भागे, फिर भागे देखे सब राजा लोग इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, फिर ये शेर की तरह एकदम मुड़े, एकदम यू टर्न, टिंग टिनिंग, पूरा एकदम घूमे, यू टर्न लिए, देखे कौन है माइकालाल हमसे युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है, अपना धनुष का एकदम टंकार चढ़ाया, जैसे ही धनुष का टंकार चढ़ाया तो आधे योद्धा तो ऐसे ही भाग गए, क्योंकि भीष्म देव थे ना, इनकी शक्ति तो एकदम अपरंपार थी। फिर उसके बाद भीष्म देव ने ऐसा एकदम आक्रमण किया जैसे लगा कि वानों की बरसात हो गई, मतलब जैसे बरसात होता है ना वैसे वान की वर्षा हो रही थी, मतलब पूरा एकदम वान, एकदम एक पर एक वान गिरे जा रहे थे, सारे सैनिक कुचले जा रहे थे, मरे जा रहे थे, पूरा एकदम आतंक छा गया था, तो एक पर एक बड़े बड़े महारथी सब गिरते पड़ते जा रहे थे, कोई इसका सामना ही नहीं कर पा रहा। तब वहां पे एक राजा जो था वो प्रकट हुआ, वो कौन था, शल्य, वो भीष्म देव के पास आया। भीष्म देव बोले अरे कौन है शल्य, इसको अभी मैं अभी इसको मजा चखाता हूँ। तुरंत एक तीर उठाया, उसका जो है उन्होंने रथ का ध्वजा तोड़ा, फिर उसके घोड़े को मारा, फिर उसके सारथी को मारा, और अब अगला निशाना उसको मारने ही वाले थे शल्य को, कि शल्य जो था तुरंत उनके चरणों में गिर गया, बोला शरणागत शरणागत शरणागत, अब मुझे शरण दीजिए, ये बोल करके वो अपना सिर नीचे कर लिया। तो भीष्म जो पितामह थे आदर्श क्षत्रिय थे, जो शरणागत को मारे नहीं, छोड़ दिए उसे, और इस प्रकार से अम्बा अम्बिका अम्बालिका को लेके आ गए। तो अम्बा जो थी जब वो राज्य में तीनों जब वापस आ गई तो अम्बा जो थी बोली मेरा पहले से ही किसी से कनेक्शन है, तो अम्बा जो थी वो छोड़ करके चली गई, बाकी जो थी अम्बिका और अम्बालिका जो थी वो राजा विचित्रवीर से उनका शादी भीष्म ने कर दिया। तो इस प्रकार से विचित्रवीर जो थे वो अब खुशी से रहने लग गए। तो विचित्रवीर एक्चुअली बहुत ही लस्टी थे, क्योंकि उनको राज्य काज संभालने का तो कोई टेंशन था नहीं, आराम से राज विलास करते थे, खाते पीते थे, मस्त रहते थे, भीष्म पितामह तो राज्य संभालते थे और वो टेंशन फ्री थे। तो करते क्या थे कि वो अपनी पत्नियों के साथ विलास करते थे, उनकी जो सुंदर दो पत्नियां थी अम्बिका अम्बालिका, तो उनके साथ इतना संबंध बनाया कि उनको टीवी हो गया जी, टीवी ट्यूबरक्लोसिस और टीवी के बाद जो थे उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। फिर माता सत्यवती को चिंता हो गई, अरे भाई एक बेटा था, एक बेटा को तो गंधर्व मार दिया, दूसरा बेटा भाई टीवी से मर गया, फिर राजकाज कैसे चलेगा। फिर उन्होंने भीष्म को बोला कि भाई तू शादी कर ले, भाई तू इससे शादी कर ले। भीष्म बोला नहीं, मैं प्रतिज्ञा लिया हूँ, भीष्म प्रतिज्ञा, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, फिर कैसे होगा। तो फिर इस पर जो है सत्यवती जो थी इस चिंता में थी। तो इस आगे की कहानी जो है हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि सत्यवती जो थी, जो सत्यवती के जो दो मतलब बहू थी अम्बा और अम्बालिका, उनके पुत्र कैसे प्राप्त हुए, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।